हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनावों की घोषणा के बाद से प्रदेश में जोर तोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार व संगठन के बीच तालमेल बनाने के मद्देनजर बनाई गई हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य व पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने व बजट पेश न होने देने के चलते भाजपा ने यह षड्यंत्र रचा था और अब कांग्रेस से निष्कासित 6 विधायकों को भाजपा में शामिल कर उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है। साथ ही रामलाल ठाकुर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण के बाद भाजपा से संबंधित कुछ पूर्व मंत्री विधायकों सहित 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा में चले गए थे और अब वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, जिन्हें लेकर वो जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व पार्टी हाईकमान से मिलकर इस विषय पर चर्चा करने के बाद अगले 10 दिनों के भीतर इन सभी भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव सहित 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ सके और पार्टी उम्मीदवारों की जीत तय हो सके। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बगावत हुई है लोगों के सामने बिल्कुल आ गया, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों के सामने आ गया कि ये गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते थे, ये फाइनेंस बिल के ऊपर जो है इनकी निगाहें थी लेकिन उसमें ये फेल हो गए और अब जो 6 आदमी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गए थे उनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और ऐसे ही शामिल किया कि जैसे मान लो उन्होंने छमझौड़िया से कोई युद्ध जीत के आए और वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इनको बाहर निकलना मुश्किल जाएगा। हर चुनाव क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो इस बात से खुश हैं कि ये बीमारियाँ चली गई जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है वो गलत ढंग से लोगों की भावनाओं को भड़काया है। मैं आज ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्योंकि काफ़ी अरसे से विधानसभा में रहा हूँ, मैं कमेटी का मेंबर बना हूँ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और मुझे कोई 10-15 जगह से टेलीफोन आया है। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्व जो है वो मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जाहिर करके वो चले भी गए थे। कुछ लोग वो आके कांग्रेस पार्टी में शामिल करेंगे लेकिन मैं प्रदेश के नेतृत्व से बात करके, चाहे वो हमारे पार्टी की अध्यक्षा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, और फिर जाके दिल्ली से बात करके आने वाले मैं कहूँगा कि 10 दिनों के अंदर अंदर वो साथी जो वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं कांग्रेस की मजबूती के लिए उनको शामिल करने के लिए मैं हाईकमांड से बात कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में होंगे।